सुदीक्षा मामले में एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगी। एबीपी गंगा ने कल ही बता दिया था आरोपियों के नाम। बुलंदशहर पुलिस ने छेड़खानी की थ्योरी को खारिज कर दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि सुदीक्षा के चाचा बाइक नहीं चला रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि सुदीक्षा की बाइक बुलेट से टकराई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगी है। एबीपी गंगा ने कल ही आरोपियों के नाम बता दिए थे और जानकारी ये भी मिल रही है कि बुलंदशहर पुलिस ने छेड़खानी की थ्योरी को खारिज कर दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि सुदीक्षा के चाचा बाइक नहीं चला रहे थे। जांच में खुलासा इस बात का हुआ है कि सुदीक्षा की बाइक बुलेट से टकराई थी, लेकिन किन परिस्थितियों में टकराई थी ये भी जानना जरूरी है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जो छेड़खानी की दलीलें थी उनको खारिज करने का क्या ग्राउंड है? देखिए, जो छेड़खानी की जो दलीलें थी वो उसको आधार पर बुलंदशहर पुलिस ने जो आधार बनाया वो था सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज बुलंदशहर पुलिस ने एक एक मिनट का खंगाला और यही वजह थी कि भूड़ से लेकर के घटनास्थल तक, इमलिया तक जहां पर हुई, वहां पर सुदीक्षा की बाइक जो थी वो आरोपी के बाइक से पीछे चल रही थी और कहीं पर भी पुलिस को ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला जिससे लगे कि ये जो बाइक सवार, जो बुलेट सवार जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं ये उसके आगे चल रहे थे या कहीं पर उसको आगे पीछे ओवरटेक किया गया। वहीं दूसरी ओर सुदीक्षा के चाचा के द्वारा जो दलील दी गई थी कि वो बाइक चला रहे थे उसको बुलंदशहर पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। उसने साफ तौर पर कहा कि सुदीक्षा के जो चाचा हैं वो गलत बता रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। वो उनका जो मोबाइल लोकेशन था वो घटनास्थल से काफी दूर था, वो घर पर थे। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात की जो खुलासा है उसके लिए बुलंदशहर पुलिस ने वास्तव में काबिले तारीफ है कि उसने बहुत मेहनत की है। करीब 1000 ऐसी बाइकों का निरीक्षण किया जिन पर जाट लिखा हुआ था, क्योंकि एक सिर्फ एक जो सुदीक्षा के भाई ने जो बताया कि जो बुलेट थी जिससे टक्कर लगी वो जाट लिखी हुई गाड़ी थी। लिहाजा जिले भर की जो आरटीओ से जो जाट लिखी हुई बुलेट थी उनको खंगाला गया। उसके बाद से ये दो लोग गिरफ्तार किए गए। जो दो लोग गिरफ्तार किए गए, जैसा कि एबीपी गंगा ने कल ही अपने दर्शकों को बताया था कि इनके नाम की चौधरी दीपक सोलंकी और राजू जाटव, राजू नाम है, ये दोनों ही बुलंदशहर के, एक गुलावटी के रहने वाला और दूसरा भूड़ इलाके का रहने वाला है। तो इनसे पूछताछ के बाद बुलंदशहर पुलिस ने वो व्हील भी बरामद कर लिया। दरअसल इन लोगों ने मारे डर के जब सुदीक्षा प्रकरण एकदम से हाइप पकड़ा और उसके बाद से जाट लिखी हुई बुलेट की तलाश शुरू कर दी, तो इन लोगों ने अपनी नंबर प्लेट हटवा दिया और बुलेट का रंग बदलवाने लगे, मॉडिफाई कर दिया। और हिरासत में ले लिया गया है जिस बुलेट से टक्कर हुई थी वो बुलेट भी हम आपको दिखा रहे हैं और मॉडिफिकेशन पूरी बुलेट का किया गया। आप देखिए, पहले ब्लैक थी ये, फिर उसके बाद इसको दूसरा ही रंग दिया गया ग्राफिक्स के जरिए, काले रंग की बुलेट का पूरा कलर बदल दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। संतोष, जो ये पूरा मामला है, बहुत बड़े स्तर पर सवाल उठे थे कि आखिर जो रोमियो स्क्वाड था वो कहां चला गया। कानून व्यवस्था को लेकर कई बातें उठी और जो गाजियाबाद में घटना हुई थी कि छेड़खानी का विरोध करने पर पत्रकार की हत्या हुई, कासगंज में एक लड़की ने पढ़ाई छोड़ दी छेड़खानी के डर से, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था पुलिसिंग को लेकर। देखिए, बिल्कुल, ये पुलिसिंग को लेकर के सवाल खड़ा हो गया था। बुलंदशहर पुलिस ने भले ही छेड़खानी की थ्योरी को खारिज कर दिया हो, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की छेड़खानी के विरोध में हत्या कर दी गई, उसके बाद तमाम घटनाएं सामने आई, तो लिहाजा जब सुदीक्षा के परिजनों ने इस बात की दलील दी, इस बात के बयान दिए कि जो बुलेट सवार लड़के थे वो लगातार परेशान कर रहे थे, चेस कर रहे थे, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। लेकिन इस बात को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए थे, जो तमाम अन्य घटनाओं को, भले ही बुलंदशहर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जो छेड़खानी की थ्योरी को खारिज कर दिया हो, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं, जो सरकार के द्वारा कहा गया कि एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा है, वो सड़कों पर एंटी रोमियो स्क्वाड, मैं फिर कहूं कि कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। कागजों में भले ही डीजीपी मुख्यालय से अभी दो दिन पहले एंटी रोमियो स्क्वाड के द्वारा की गई कार्रवाई को बताया गया, 1090 भी चल रहा है, वुमेन पावर लाइन, लेकिन ये कहीं कारगर नहीं दिख रहे हैं। जब आप कोई योजना, अगर लोगों को एहसास नहीं हो रहा कि वो उनकी मदद कर रही है, तो आपकी वो योजना कागजों में भले ही सुनहरे सपने दिखा रही हो, लेकिन वो अगर
फलीभूत नहीं हो रही है तो बेमानी है। वही कुछ हो रहा है, एंटी रोमियो स्क्वाड सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिले के कप्तान हो, थानेदार हो, वो सिर्फ कागजों में एंट्री भर रहे हैं और एंट्री भरने के बाद शासन को बताते हैं और शासन को भ्रमित कर रहे हैं। कोई भी शासन का अधिकारी अगर एक जिले में जाकर के चेक कर ले कि एंटी रोमियो स्क्वाड कहां पर है तो जमीन पर आपको एंटी रोमियो स्क्वाड दिखेगा ही नहीं। असलियत यही है, एंटी रोमियो स्क्वाड नाम की चीज ही नहीं दिखेगी। लिहाजा यही वजह है कि लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद ही एंटी रोमियो स्क्वाड की याद बहुत वक्त के बाद आई। लोग शायद इसका जिक्र करना और नाम भी भूल चुके थे कि ऐसा कोई स्क्वाड यूपी में बना भी है। लेकिन जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या उसमें सभी सवालों के जवाब मिल जाएगी कि किन परिस्थितियों में बाइक बुलेट से टकराई, जो आरोपी पकड़े गए हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है और आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो इसके लिए क्या किसी नए मास्टर प्लान पर पुलिस काम करेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर इस घटना की बात करें तो मुझे जो लग रहा है, मेरे पास बुलंदशहर पुलिस का प्रेस नोट मेरे हाथ में है, मेरे मोबाइल पर है, चार पन्ने का प्रेस नोट है और ये प्रेस नोट अपने आप में बहुत विस्तृत है। एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह की अगर बात करें तो अपने आप में सर्विलेंस के मास्टर अधिकारी कहे जा रहे हैं। यूपीएसटीएफ एटीएफ तमाम जगहों पर रहे हैं और बनारस यूनिट के इंचार्ज रहे, एक अच्छे अधिकारियों में गिने जाते हैं। तो लिहाजा उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने बिंदुवार कि कब कहां पे सीसीटीवी फुटेज मिला, कितने बजे सुदीक्षा के चाचा की मोबाइल लोकेशन कहां थी, उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया है। करीब 10,189 बुलेट ऐसी खंगाली गई आरटीओ के द्वारा जिन पर जाट लिखा हो सकता था, भले ही उनके नंबर के जरिए या स्पष्ट तौर पर नंबर के नीचे जाट लिखा हो, ऐसी 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को खंगाला गया। इस बात का पूरा ब्यौरा बुलंदशहर पुलिस ने अपने प्रेस नोट में, चार पन्ने का प्रेस नोट तैयार किया हुआ, उसमें दिया हुआ है। यानी कि उसने विस्तृत तैयारी कर रखी है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बुलंदशहर में, वहां पर जब वो मीडिया के सवालों को जवाब देने के लिए आएगी, तो मुझे लगता है कि प्रेस नोट के जरिए उसने तमाम उन सवालों के जवाब तय कर रखे हैं कि क्या जवाब देने हैं। उसने सीसीटीवी फुटेज, जो 18 स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उनका ब्यौरा लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट का ब्यौरा लिखा हुआ है, उसका ब्यौरा लिखा हुआ है। यानी क्या माना जाए कि जो जवाब छेड़खानी के मसले को लेकर एसआईटी गठित की गई थी, उस एसआईटी का जो काम है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ खत्म हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल, ये एसआईटी का गठन ही इसी बात के लिए किया गया था कि सुदीक्षा के जो परिवार वाले हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी के साथ छेड़खानी हुई, बुलेट सवार दो लोग थे, दो युवक थे जिन्होंने उसके साथ छेड़खानी की। और एक महत्वपूर्ण बात और देश कि परिवार वालों ने कहा था कि दो युवक थे, बुलेट पर सवार थे, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं, चाहे चौधरी दीपक सोलंकी की बात करें या राजू की बात करें, राजू की अगर बात करें तो ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, दीपक जरूर 24 से 25 साल का व्यक्ति है। तो तमाम जो ऐसी बातें कही गई सुदीक्षा के परिवार के द्वारा, कि सुदीक्षा के परिवार में कहा गया कि चाचा गाड़ी चला रहे थे, जबकि सीसीटीवी के आधार पर तय हो गया था कि उस मामले में डीएम बुलंदशहर और एसपी जो उस समय पर चार्ट देख रहे थे, एसपी सिटी बुलंदशहर, उनके द्वारा बयान दिया गया कि गाड़ी सुदीक्षा का नाबालिग भाई चला रहा था और नाबालिग भाई गाड़ी चला रहा था, लिहाजा उसको बचने के लिए परिवार वालों ने इस बात की दलील दी कि चाचा बाइक चला रहा था। असल में जो सीसीटीवी फुटेज है वो तय कर रहा था कि लड़की का भाई बाइक चला रहा था। लिहाजा जो एसआईटी गठित की गई थी, जो स्पेशल टीम गठित की गई थी, वो इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित की गई थी। इस बात बिल्कुल, और वो तमाम चीजें अब साफ भी हो चुकी हैं। विस्तृत प्रेस नोट बुलंदशहर की तरफ से आ चुका है। शुक्रिया संतोष जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।